हेलो एवरीवन, मैं लव कुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है FST 15। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दैट यू कॉल्ड FST 15, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर अगेन क्वेश्चन नंबर 91 टू क्वेश्चन नंबर 180। तो दिस इज FST 15 दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टूडे, FST 15। So today I'm going to discuss in detail about the FST, right? Now see question number 91 देखिए, which of the following is the correct statement? आपको correct statement बताना है। तो correct statement में देखिए, पहला statement है, no diploid structure is found in mature sporangium of Reisha except capsule। Reisha जो है bryophytes में आते हैं, कैप्सूल डिप्लोइड होते हैं, इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर इसमें डिप्लोइड नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मेनी अमीनो एसिड कैन बी पॉलीमराइज्ड बाय गिवन एमआरएनए सीक्वेंस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया। इसने बोला है कि इसमें कितने अमीनो एसिड बनेंगे, हाउ मेनी अमीनो एसिड। तो हाउ मेनी अमीनो एसिड कैन बी पॉलीमराइज्ड बाय गिवन एमआरएनए सीक्वेंस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया, राइट? तो यहाँ पे कितने अमीनो एसिड बनेंगे इस एमआरएनए से, आपको ये बताना है। तो देखिए, अमीनो एसिड की जो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो एयूजी से होती है। दिस इज फर्स्ट जेनेटिक कोडोन दैट वी कॉल्ड एयूजी। तो पहला मिथियोनाइन हो गया, दूसरा यूसीसी, ये भी एक कोडोन होता है अमीनो एसिड के लिए। इसके बाद तीसरा है एसीजी, इसके बाद है एयूए, देन जीएसी, राइट? इसके बाद यूजीए आ गया। यूजीए जो है वो स्टॉप कोडोन होता है एंड इट विल नॉट कोड फॉर एनी काइंड ऑफ अमीनो एसिड। सो हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी प्रोड्यूस हियर? तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड प्रोड्यूस होंगे, देयर आर 5 अमीनो एसिड इन दिस क्वेश्चन, राइट? सॉरी, इन दिस क्वेश्चन 5 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे 5 अमीनो एसिड कर लीजिए करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दिया है, द थाइलेकोइड membrane, the thylakoid membrane bears several F0, F1 particle, bear several F1, F0 particle, ATPase, ATP synthase, which of the following correct for this particle? इसमें से कौन सा correct होगा आपको ये बताना। तो देखिए, पहला statement पढ़िए, once of its part F0 is embedded in the membrane and forms transmembrane channel that carries out facilitated diffusion for proton across the membrane. This is correct statement. Its other part is F1 protrudes out facing towards the stroma. ये भी correct है. F1 जो होता है, F1 particle that you know that is facing towards the stroma, or you can say that is what protruding out, है ना? ये भी correct. इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर दीज पार्टिकल्स, इसमें से करेक्ट कौन सा है आपको ये बताना है। वंस ऑफ इट्स F0 इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ फॉर्म्स ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज आउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट, ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। इनकरेक्ट, फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड क्या है, द कैटालिटिक साइट फॉर एटीपी फॉर्मेशन आर लोकेटेड इन F1 पार्ट, ठीक है। F1 इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, F1 तो जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है ही नहीं, तो इनकरेक्ट तो यही होगा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 93 और 94। सुपर बग इज ऑयल ईटिंग बग, क्लीन द ऑयल स्पिल्स, राइट? तो ये दोनों करेक्ट आएंगे, बोथ 1 एंड 2। 95, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है आपको ये बताना है। चैन टर्मिनेटर दिया है, डी जनरेटेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होता है, सेम इन लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में RFLP देखा जाता है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग हैव
फोर डिजिट्स, ठीक है, 96 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट। रीड दी फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है, तो इसमें आपको स्टेप्स करेक्ट बताने हैं कि कौन कौन से स्टेप होंगे, कब होंगे, ये आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे जो आएगा आपका वो कौन कौन सा आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो होगा कॉन्ट्रेक्शन इन डायफ्राम इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो यहाँ पे इस फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद आएगा इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाती है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जब कॉन्ट्रेक्शन होता है उसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए, लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, थर्ड स्टेटमेंट। और लंग्स एक्सपेंड होने के बाद पल्मोनरी वॉल्यूम विल इंक्रीज, फोर्थ स्टेटमेंट। और पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज होने के बाद जो नेक्स्ट आएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज, फिफ्थ स्टेटमेंट। और यहाँ पे लास्ट में एयर मूव्स इनटू द, सबसे लास्ट में एयर लंग्स में मूव करेगी। तो ये अरेंजमेंट करने के बाद जो आपका करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन नंबर थर्ड, 97 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 98 देखिए, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट माइक्रोबायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑल दी अबव। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी भी आती है, टिश्यू कल्चर भी आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलियन स्पीसीज इन इंडिया, आपको बताना। पार्थेनियम एलियन स्पीसीज है, क्लैरियस गैरीपाइनस भी एलियन स्पीसीज है, लेंटेना भी एलियन स्पीसीज है, टैकुमेला अंड्यूलेटा ये एक रोहिंडा प्लांट है, जो कि ये जनरली इंडिया में जो डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है, वहां भी पाया जाता है। तो ये नेटिव प्लांट है इंडिया का, ये एलियन स्पीसीज नहीं है। तो 99 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, हाउ ऑर्गेनिज्म वाइल रिमेनिंग इकोलॉजी, सॉरी 100 में इकोलॉजी एक्सप्लेन अस, इकोलॉजी हमें क्या एक्सप्लेन करती है। तो पहला स्टेटमेंट है, हाउ ऑर्गेनिज्म वाइल रिमेनिंग एज एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, ये भी हमें इकोलॉजी बताती है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का कैसे इंटरेक्ट करता है। इस बात को स्टडी करने को आप इकोलॉजी कंसिडर कर सकते हैं, इकोलॉजी में कंसिडर किया जाता है। सेकेंड, हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद फिजिकल हैबिटेट एज ए ग्रुप, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है फिजिकल हैबिटेट के साथ एज ए ग्रुप, ये भी इकोलॉजी में आप पढ़ते हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड क्या है, एज ए ग्रुप हाउ ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक ऑर्गेनाइज्ड होल, दैट इज पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम और इवन एज द होल बायोस्फियर, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों ही करेक्ट आ रहे हैं, तीनों ही करेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, मिसोसोम्स वर्क एज माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। देखिए ये जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम किसका है आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, सो दिस डायग्राम इज गिवन राइट इन क्वेश्चन नंबर 102, दिस इज मॉर्फिन, ये है मॉर्फिन, ये मॉर्फिन का डायग्राम है, तो याद रहे दिस इज। और मॉर्फिन के लिए क्या होता है, मॉर्फिन इज यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगोन इन सर्जरी, सो दिस इज यूजफुल इन पेशेंट्स जिनकी सर्जरी होती है उनके लिए यूजफुल है। तो 102 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, विच ऑफ दीज इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम सैप, इसमें से कौन सा फ्लोएम सैप का प्राइमरी कंपोनेंट है। देखिए जो शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, तो फ्लोएम सैप में भी सुक्रोज ही आएगा, यानी कि 103 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। 104, विच हार्मोन इनिशिएट पार्चुरेशन प्रोसेस, देखिए एस्ट्रोजन, एलएच, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, इसमें से कौन सा हार्मोन पार्चुरेशन इंड्यूस करता है। पार्चुरेशन इंड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, इवन कोर्टिसोल भी इंड्यूस करता है, तो 104 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैव सब जीरो टेम्परेचर, कौन कौन से प्लेस पे सब जीरो टेम्परेचर है, यानी कि जीरो से कम है। हाई एल्टीट्यूड प्लेस पे भी सब जीरो टेम्परेचर देखा जाता है, हाइड्रोथर्मल वेंट में टेम्परेचर हाई होता है, पोलर एरिया में सब जीरो टेम्परेचर देखा जाता है। ए एंड सी ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, 105 का फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर।
106 करेक्ट फॉर फाइलम प्लेटीहेलमिंथ्स, आपको बताना है प्लेटीहेलमिंथ से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है। तो प्लेटीहेलमिंथ में एब्सेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स, देखिए प्लेटीहेलमिंथ में हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये गलत हो गया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी गलत है। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, प्लेटीहेलमिंथ्स आर मेनली एंडोपैरासाइट होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 106। नाउ 107, व्हिच टिश्यू फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, इसमें से कौन सा टिश्यू विद इन ऑर्गन एक मेजर कंपोनेंट की तरह प्ले रोल प्ले करता है। प्लांट में सबसे ज्यादा जो टिश्यू है वो पैरेन्काइमा है, ठीक है, विद इन ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, जो कि मेजर कंपोनेंट्स का काम करता है। तो 107 का ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नाउ 108, इन विच कंपाउंड डज सुक्रोज इज ब्रोकन बाय एंजाइम इन्वर्टेज, कौन से कंपाउंड में सुक्रोज ब्रेक हो जाता है इन्वर्टेज की प्रेजेंस में। तो सुक्रोज जो जो ब्रेक होता है वो होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो कि ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ 109, व्हिच फेज ऑफ माइटोसिस इज एसेंशियली द रिवर्स ऑफ प्रोफेज इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चेंजेस। न्यूक्लियर चेंजेस के टर्म्स में इसमें से कौन सा एसेंशियल है रिवर्स ऑफ प्रोफेज के लिए, ठीक है, तो इसमें टेलोफेज आएगा। देखिए प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, वही टेलोफेज में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है। तो अपोजिट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर चेंजेस के रेस्पेक्ट में प्रोफेज का अपोजिट होता है टेलोफेज। तो 109 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट। 110, बेसिलस कोकस विब्रियो एंड स्पाइरिलम आर फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, चारों बैक्टीरिया की सेप है। तो 110 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। 111, ए ट्राइसोमिक एन्यूप्लोइडी, एन्यूप्लोइडी मतलब ठीक है ट्राइसोमिक यानी कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा। पेशेंट हैविंग डबल बार बॉडी, डबल बार बॉडी में यू नो डबल बार बॉडी ऐसी फीमेल में होती है जिसमें कि एक से ज्यादा एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है तो एक बार बॉडी आएगा, लेकिन बार बॉडी डबल आएगी तो ये फीमेल कैसी होगी, इसमें ट्रिपल एक्स होंगे। ट्रिपल एक्स वाली फीमेल में दो बार बॉडी होंगी, ठीक है, हैविंग प्रॉब्लम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दिस जेनेटिक डिसऑर्डर वुड बी मल्टी एक्स फीमेल। तो डबल बार बॉडी सिर्फ दो ही एक ही केस में आ सकती है अगर यहाँ पे दो थ्री एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये जो फीमेल है ये मल्टी एक्स फीमेल होगी, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो 111 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ 112 में आपको मैच करना है एल्कोलोइड जो है उसको मैच कीजिए मॉर्फिन एंड कोडिन से। मॉर्फिन एंड कोडिन दोनों एल्कोलोइड है, ये एनसीईआरटी में दिया है बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। एसेंशियल ऑयल्स में आता है लेमन ग्रास ऑयल, इसको आप ऑप्शन थर्ड से मैच कीजिए। टॉक्सिन को आप मैच कीजिए एब्रीन एंड रिसिन से, ये दोनों टॉक्सिन है। ड्रग्स को आप मैच कीजिए विन ब्लास्टिन कुरकुमिन, विन ब्लास्टिन एंड कुरकुमिन ये दो ड्रग्स है, इसको आप मैच कीजिए। और मैचिंग करने के बाद जो करेक्ट आपका ऑप्शन आएगा, ए को आपने सेकंड से मैच किया, बी को आपने थर्ड से मैच किया, सी को आपने फोर्थ से मैच किया, डी को आपने वन से मैच किया। तो 112 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, इफ इन ए पॉन्ड देयर आर 40 लोटस प्लांट, एक पॉन्ड में 40 लोटस प्लांट्स है, लास्ट ईयर पिछले साल 40 लोटस प्लांट थे एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 10 न्यू प्लांट्स आर एडेड, रिप्रोडक्शन के थ्रू नए 10 नए प्लांट ऐड हो गए हैं। टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 50, सपोज दैट करंट पॉपुलेशन 50 है तो द बर्थ रेट इज एज, देखिए करंट पॉपुलेशन कितनी है 50, लास्ट ईयर 40 लोटस प्लांट थे एंड करंट पॉपुलेशन जो है वो कितनी है हमारे पास, करंट पॉपुलेशन इज 50। तो 40 प्लांट्स में 10 प्लांट्स बड़े हैं, ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। बर्थ रेट का मतलब जो होता है दैट इज नंबर ऑफ बर्थ, लास्ट ईयर नंबर ऑफ बर्थ कितने थे 10 प्लांट्स, और ये 10 प्लांट्स को कितने प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया 40 प्लांट्स ने। तो जब आप इसको इसको आप सोल्व करते हैं तो 0.25 वैल्यू आती है, 0.25 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर देखा जाएगा। 113 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। 114, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, ईपीएसपी डेवलप ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, बिल्कुल सही है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल की बात कर रहा है ये, सोडियम चैनल इसमें ओपन हो जाते हैं, दिस इज करेक्ट।
आईपीएसपी यानी कि इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स, ये भी करेक्ट है। गाबा डेवलप आईपीएसपी, बिल्कुल सही। जो गाबा है, गामा अमीनोब्यूटरिक एसिड, ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर है बट ये इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो ये इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप करेगा, एसीएस न्यूरो ट्रांसमीटर है लेकिन एक्साइटेड भी है, तो ये ईपीएसपी डेवलप करेगा, तो ये भी करेक्ट है। नाउ डी ऑप्शन देखते हैं इसका। द न्यू पोटेंशियल डेवलप ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, ये भी बात सही। जो न्यू पोटेंशियल होगा वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, वो इनहिबिटरी भी हो सकता है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है ना। इफ ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यानी कि ऑप्शन वन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 115, इन ए पॉलीसेक्राइड चेन द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड। तो इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड जो है वो लिंक्ड होगा कौन से बॉन्ड से लिंक्ड होगा, आपको बताना है। वो लिंक्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो 115 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। 116 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल एनहांस करता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट को, सोडियम नाइट्रेट भी ये काम करता है, तो यहाँ पे 116 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। 117 देखिए, अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी आएगा, पॉलीमरेज एंजाइम भी आता है, लाइगेजेस भी आता है, वेक्टर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टूल्स में सभी आ जाएंगे यानी कि ए बी सी डी एंड ई, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, पॉलीमरेज भी यूज किया जाता है, ठीक है, लाइगेज डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल होता है, वेक्टर्स, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ए बी सी डी यानी कि सभी, यहाँ पे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ 118 देखिए, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज 0.7। तो ये 0.7 रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ट्रिपल मिटिन का है, एनसीईआरटी में दिया है, तो ट्रिपल मिटिन का है ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, तो 118 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। और 119 की हम बात कर रहे हैं, 119 का आंसर क्या आना चाहिए। एस्टिमेशन ऑफ पेटल्स ऑफ लेडी फिंगर एंड कैलोट्रोपिस प्लांट रेस्पेक्टिवली। तो लेडी फिंगर का एस्टिमेशन कौन सा होगा आपको ये बताना। दिस इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स ऑफ सेपल, तो यहां पे आना चाहिए 1 ओवरलैप बाय अनदर 1। ठीक है, तो ये जो है बी आएगा लेडी फिंगर के लिए, कैलोट्रोपिस के लिए आएगा ए। ए जो है वो वेलवेट एस्टिवेशन है, बी जो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, तो बी एंड ए यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे 119 का ऑप्शन 2 राइट आंसर। 120 देखिए, ये देखिए लिमुलस दिया है, ग्रेगेरियस पेस्ट भी बोलते हैं आप इसको, सॉरी ये लोकस्ट है एंड दैट इज ऑल्सो बी नोन एज ग्रेगेरियस पेस्ट। नीचे वाला जो है प्रोन दिया है, तो इसमें आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कंपैरिजन बिटवीन लोकस्ट, लोकस्ट और प्रोन के बीच में करेक्ट कंपैरिजन कौन सा नहीं है आपको ये बताना है, उसमें करेक्ट आंसर आना कि चाहिए क्या आपका। 120 का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आएगा। ठीक है, देखिए बॉडी सेगमेंटेशन लोकस्ट में हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन है, बिल्कुल सही है, राइट। प्रोन में सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन है, ये भी करेक्ट है। आपको बताना है कि कौन सा मिसमैच है ना, ऐसा कुछ बताना ना, इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मालपिगियन ट्यूबुल्स होता है लोकस्ट में, प्रॉन्स में ग्रीन ग्लैंड होता है, ये करेक्ट है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लोकस्ट में ट्रैकिया, प्रॉन्स में गिल्स, बिल्कुल सही, राइट। आई जो है दोनों में कंपाउंड आई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंपल आई दिया है, तो ये गलत हो गया, दिस इज गलत, आपको इनकरेक्ट ही बताना, तो ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर जो इनकरेक्ट है। दोनों में कंपाउंड आई होगी, दोनों अर्थ्रोपोडा में आते हैं, अर्थ्रोपोडा में जनरली कंपाउंड आई ज्यादा देखी जाती है। और 121 देखिए, द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वीन इज द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी। 121 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये मैग्नीज टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम है, जो ब्राउन स्पॉट
और सराउंडेड बाय क्लोरेटिक विन जो देखा जाता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, मैग्नीज टॉक्सिसिटी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, नेटिलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाता है, इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाता है। ए एंड सी ये दोनों पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आएगा आपका वो कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर। नाउ 123 देखिए, यहाँ पे आपको द गिवन स्कीमेटिक डायग्राम डेपिक्ट हिट्रोडोन टाइप ऑफ डेंटेशन की बात कर रहा है, हिट्रोडोन टीथ की बात कर रहा है, एंड इट्स थिकोडोंट अरेंजमेंट, थिकोडोंट अरेंजमेंट है। फाइंड द क्रैक लेबलिंग ए बी सी एंड डी। ए टू डी आपको क्रैक लेबलिंग बतानी है, तो जो ए लेबलिंग होगी वो क्या होगा, लेबलिंग ए विल बी इनसीजर, दिस विल बी इनसीजर, राइट। लेबलिंग बी क्या होगी, इनसीजर, ये कैनाइन होते हैं, बी जो होंगे वो कैनाइन होंगे, सी प्रीमोलर होंगे, सी सी जो होंगे वो प्रीमोलर होंगे, प्रीमोलर, और डी की लेबलिंग कर दीजिए, डी जो होगा वो मोलर होगा। लेबलिंग करने के बाद जो करेक्ट आंसर आता है आपका, ए इंसीजर, बी कैनाइन, सी प्रीमोलर एंड डी, यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन वन विल बी राइट आंसर। नाउ मैच दी फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल कैंसर कोजिंग एजेंट, केमिकल कैंसर कोजिंग एजेंट सिगरेट स्मोकिंग से मिलते हैं, तो उसको वन से मैच कीजिए, क्योंकि काफी सारे केमिकल कैर्सिनोजेंस होते हैं टोबैको में जो कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होते हैं, तो ए को वन से मैच कीजिए। बी क्या है, फिजिकल कैंसर कोजिंग एजेंट, बी को कांगड़ी कैंसर से मैच कीजिए, फिजिकल कैंसर एजेंट है ये। सी बायोलॉजिकल कैंसर कोजिंग एजेंट, इसको आप ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, तो सी को थ्री से मैच कीजिए। ए को वन से, बी को टू से, एंड सी को आपने थ्री से मैच किया, तो ऑप्शन टू विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 124। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 125। द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ जीनस में भी, जीनस इज एन एग्रीगेट ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया, जीनस इज एन एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जीनस जो है दैट इज एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो 125 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, होमो हैबिलिस रेफर्स टू जावा मैन, इन्वेंटर ऑफ फायर, मॉडर्न मैन, टूल मेकर, हैंडीमैन। होमो हैबिलिस जो होते हैं वो टूल मेकर हैंडीमैन थे, पहले जो हैंडीमैन थे वो होमो हैबिलिस थे, तो 126 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 126। नाउ क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, AUG इज कॉल्ड स्टार्ट कोडोन एंड डेट कोड फॉर मिथियोनाइन अमीनो एसिड, ये बिल्कुल सही है। GGG कोड फिनाइल एलेनिन, ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, ये शायद ग्लाइसिन के लिए कोड करता है। UGG नॉट कोड बाय एनी अमीनो एसिड, नहीं जी, शायद ये ट्रिप्टोफन के लिए कोड करता है, तो फर्स्ट ही करेक्ट है, ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा 127 का ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, बेसिलस थुरिंजियनसिस इज यूज्ड टू कंट्रोल फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, मॉस्किटो को भी किया जाता है, मॉथ्स, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए बेसिलस थुरिंजियनसिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 129, इफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, दिस इज कॉल्ड जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं इसको, कि अगर यहाँ पे अप टू 8 ब्लास्टोमेर स्टेज तक आप किसी भी एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस टेक्निक इज कॉल्ड जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो 129 का ऑप्शन टू विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी 130, एट द सीवेज डिस्चार्ज पॉइंट ऑफ रिवर हाई मोर्टेलिटी ऑफ फिश अकर्ड, चूज द करेक्ट मोस्ट करेक्ट रीजन फॉर दिस। देखिए रिवर सीवेज डिस्चार्ज पॉइंट पे रिवर में फिश की डेथ हो जाती है, इसकी डेथ के लिए सबसे बड़ा जो रीजन है सीवेज में डिजोल ऑक्सीजन, राइट, सीवेज पॉल्यूटेड वाटर है और उसको अगर आप फ्रेश वाटर मिक्स करेंगे तो वहां की डिजोल ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फिशेज की मोर्टिलिटी रेट बढ़ेगी, तो 130 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। नाउ 131, रीनल कैलकुलाई फॉर्म्ड बाय, रीनल कैलकुलाइट जो बनते हैं यानी कि स्टोन की बात कर रहा है ये,
किडनी स्टोन, तो वो ऑक्जेलेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम की वजह से बनते हैं। 132, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन दी फॉलोइंग, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपको ये बताना है। कार्टिलेजनस ज्वाइंट इज क्यूबिक सिम्फाइसिस, ये करेक्ट है। सिनोवियल ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड स्कैपुला, ये भी करेक्ट है। फाइब्रस ज्वाइंट बिटवीन क्रैनियल बोन्स, ये भी करेक्ट है। बोम्फोसिस बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ही आपको बताना है, तो ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर। तो बोम्फोसिस होते हैं, दिस इज द जॉइंट बिटवीन द यू नो जो बोन एंड द टीथ, टीथ और जो बोन के बीच में जो जॉइंट होता है, यानी कि मैक्सिला या मैंडिबल और टीथ के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोम्फोसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल गलत दे दिया है इन्होंने, तो ये सही नहीं। ठीक है, 132 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ 133, ए मल्टीसेलुलर फिलामेंट एल्गा एग्जिबिट ए टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल। ठीक है, एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गा है जो कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल को शो करता है, राइट, इन विच म्यूटिक डिवीजन अकर जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जिसमें कि म्यूटिक डिवीजन होता है जायगोट फॉर्मेशन के बाद। द अडल्ट फिलामेंट ऑफ एल्गा हैज, राइट, जो अडल्ट फिलामेंट ऑफ एल्गा है उसमें हैप्लोइड वेजिटेटिव सेल्स होंगे और हैप्लोइड ही गैमेटेंजिया होंगे, यानी कि 133 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब 134 की ये बात कर रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, क्लोड बस्टर जो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस करता है, दिस इज करेक्ट। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट बोलते हैं इसको। सिट्रिक एसिड जो है ये एग्रिकस, ये बिल्कुल गलत है, एस्परगिलस नाइगर सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इनकरेक्ट मैच यही होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 134। बाकी स्टेटिन्स मोनास्कस पर्फ्यूरियस बनाता है जो कि एक ईस्ट है, ये करेक्ट है। नाउ 135, इन पोरीफेरा विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, पोरीफेरा में क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 136, द ओरिजिनल वैरायटी ऑफ बी इन डार्विन फिंच इज वाज, द ओरिजिनल वैरायटी ऑफ बी ऑफ The original variety of beak of Darwin finch, it was seed eating. तो seed eating habitat थे Darwin finches के original character, बाद में उसमें adaptation हुई, changes आए, adaptive radiation देखा गया। 136 का first option correct answer. Now BOD, question number 137. BOD values of different samples of water are given. देखिए, A का जो BOD value दिया है वो 5 दिया है, B का value 12 दिया है, C का value 2 दिया है, and D का value 7 दिया है। पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सैंपल विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ डेफिनिया, इसमें से किस सैंपल में लीस्ट नंबर ऑफ डेफिनिया होंगे। तो जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा उतने कम डेफिनिया होंगे, क्योंकि ये पॉल्यूशन सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर कम डेफिनिया, और ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर के पीछे जो रीजन है वो सबसे ज्यादा जो बीओ, जहां पे जितना ज्यादा बीओडी होगा वहां पे उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा, और वहां पे उतने ही कम डेफिनिया होंगे। तो इन सारे बीओडीज में सबसे ज्यादा जो बीओडी है वो बी का है, यानी कि ऑप्शन टू विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 137। नाउ 138, हु इज फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यूजीन पी ओडम इज द फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। 138 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 139, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जो है वो ऑब्टेन होते हैं, देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा बेसिलस थ्रूनजेनेसिस एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। 139 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ 140, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर एंटोफिक्सर ऑटोट्रॉफ, एंटोफिक्सर भी ऑटोट्रॉफ भी है, तो इसमें आना चाहिए आपका एजोस्पाइरिलम आ जाएगा, ठीक है, रोडोस्पाइरिलम आ जाएगा, ओलोसीरा भी आ जाएगा, नोस्टक एंड ऑसिलेटोरिया, ये आ जाएंगे, यानी कि 5 आर देयर, बाकी नहीं है। 140 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से बताना आपको कौन सा इनकरेक्ट है। पहला देखिए, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही है, एनालॉगस जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होता है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर होमोलोगस, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, ये पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, गलत हो गया जी, ये दोनों एनालॉगस होते हैं, तो यही इनकरेक्ट आएगा, बाकी सब करेक्ट है। बाकी ऑप्शन थर्ड देखिए, होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दिस इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट, एनालॉगस ऑर्गन डू नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकेंड इज नॉट करेक्ट, तो 141 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट।
देखिए फ्लोरल डायग्राम जो दिया है ब्रेसिकेसी फैमिली का दिया है, और ब्रेसिकेसी फैमिली का जो इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला होगा वो होगा ऑप्शन वन, यानी कि 142 का वन ऑप्शन करेक्ट आंसर। 143 डोर्सीवेंटर लीव्स द लोकेशन ऑफ जाइलम। जाइलम की जो लोकेशन होती है वो एडेक्सियल सरफेस की तरफ होती है, स्पॉन्जी जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो एबेक्सियल सरफेस की तरफ होती है, तो यहाँ पे आएगा जाइलम इज टुवर्ड्स एडेक्सियल सरफेस एंड स्पॉन्जी टिश्यू आर टुवर्ड्स एबेक्सियल साइड रेस्पेक्टिवली। 143 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ सी 144। इन एनिमल्स क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विद द हेल्प ऑफ। एनिमल्स में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन में फिर वो फिर से रिस्टोर हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर इन जाइगोट, राइट, इन जाइगोट की कंडीशन। तो 144 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 145 देखिए। Pure tall plant is related in soil poor in nutrition and reach the size of dwarf plant. This dwarf plant is crossed with another dwarf plant. The phenotype in F2 generation is most likely to be. भाई यहाँ पे एक प्योर टॉल प्लांट जो कि ड्वार्फ हो गया है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, लेकिन उसका जीनोटाइप तो प्योर टॉल प्लांट वाला है, ठीक है, उसको आप ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन का आपको रेशियो बताना है। तो ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जो रेशियो आया था वो 3:1 ही आएगा, राइट। बेशक वो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से टॉल प्लांट भी ड्वार्फ प्लांट बन गया, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में वो 75% टॉल प्लांट होगा 3:1, राइट। 3:1 कब होगा जब 75% टॉल प्लांट होंगे एंड 25% ड्वार्फ प्लांट होंगे। 145 का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नाउ 146 हाइपोफाइसेशन टेक्निक इज यूज्ड इन विच कल्चर। हाइपोफाइसेशन जो टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है पिस्सी कल्चर में इस्तेमाल की जाती है, इसमें FSH हार्मोन इंट्रोड्यूस किया जाता है फिश में जिससे कि वो लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर सके और ज्यादा से ज्यादा फिश प्रोडक्शन हो सके, दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसेशन, ठीक है। 146 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। की बात क्या है 147 व्हिच इज द करेक्ट पाथवे फॉर ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो करेक्ट पाथवे होगा वो ऑप्शन 1 होगा, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आते हैं, लंग्स इनको ऑक्सीजनेटेड करके लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है, फिर वही लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमेटिक ओर्टा के थ्रू और डिफरेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक सप्लाई होता है। तो 147 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ 148 इन प्लांट न्यूट्रिशन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेजर और माइनर डिपेंडिंग ऑन, ठीक है। अब प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, माइनर न्यूट्रिएंट्स एंड मेजर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये किस बात पे डिपेंड करते हैं आपको ये बताना है। तो ये जो डिपेंड करता है ये किस किस पे डिपेंड करेगा, इट विल बी डिपेंड्स ऑन वॉट। देखिए देयर अवेलेबिलिटी इन सोइल नहीं जी, देयर रिलेटिव प्रोडक्शन इन दी एस ऑब्टेन आफ्टर बर्निंग इन दी प्लांट बिल्कुल नहीं, देयर रिलेटिव अमाउंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट बिल्कुल सही है। अगर 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ड्राई वेट में से ड्राई वेट में 10 मिलीमोल से कम ये एलिमेंट होते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, 10 मिलीमोल से ज्यादा होते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो ये डिपेंड करता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ यू नो रिलेटिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू द प्लांट्स, ठीक। तो प्लांट्स में ये इस चीज पे डिपेंड करता है। 148 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट आ जाएगा। 149 इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन एंडोस्पर्म बनाने के लिए चाहिए, तो 149 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। 150 देखिए हजारीबाग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर। हजारीबाग नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है। 151 देखिए इन मैन एब्डुसेंस नर्व इज इंजर्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी अफेक्टेड। देखिए जो एब्डुसेंस नर्व होती है दैट इज इनर्वेटेड विद द रेक्टस मसल ऑफ द आई, और रेक्टस मसल ऑफ आई के साथ वो इनर्वेटेड होती है। अगर वो रेक्टस मसल ऑफ आई के साथ इनर्वेटेड है इसका मतलब ये है कि वो आई की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, अगर वो इंजर्ड हो जाएगी तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल विल बी अफेक्टेड। 151 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 152 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो होता है राइट वो रिलैक्स कर जाता है। तो 152 का ऑप्शन सेकंड विल बी राइट। 153 देखिए 153 में
फॉलोइंग आर दी फोर डायग्राम्स, ये फोर डायग्राम्स दिए हैं गिवन, चूज करेक्ट ऑप्शन इंडिकेटिंग द एग्जाम्पल बिलोंग। ठीक है, तो ए जो है वो गोबलेट सेल का डायग्राम है, बी जो है वो सेलेवरी ग्लैंड का डायग्राम है, सी जो है वो लिगामेंट का डायग्राम है, एंड डी जो है वो राइट सी जो है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल लिगामेंट है, ये बिल्कुल सही है, और डी जो है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, एंड दैट इज लोकेटेड बीनीथ द स्किन, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 154, रिकॉग्नाइजिंग द डेलिटेरियस इफेक्ट ऑफ O3 डिप्लीशन, यानी कि ओजोन डिप्लीशन को रिकॉग्नाइज होने के बाद राइट ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई नोन एज दी, उसको आप क्या कहते हैं, एंड इट वॉज साइन इन 1987, ठीक है, टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए 1987 में एक ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी का नाम क्या था, द नेम ऑफ द ट्रीटी वॉज, इस ट्रीटी का जो नाम था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 154 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर आएगा। 155 देखिए, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ANF डिक्रीज ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही है, प्रोजेस्टेरोन लोब्यूल फॉर्मेशन इन मेमरी ग्लैंड, ये भी करेक्ट है, एल्डोस्टेरोन सोडियम एक्सक्रीशन एंड पोटेशियम रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ये भी करेक्ट है, सोडियम एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, नहीं ये इनकरेक्ट हो गया, एल्डोस्टेरोन सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, तो यहाँ पे यही इनकरेक्ट आएगा, बाकी सब करेक्ट है। कोर्टिसोल सप्रेस द इम्यून रिएक्शन, ये भी सही है। 155 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 156 हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसने बोला है द मैप डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 30 सेंटीमोर्गन। ठीक है, दो जीन है, सपोज दैट एक जीन ए है और दूसरा सी है, दिस इज ए एंड दिस इज, एक ए है दूसरा ये सी हो गया, इनके बीच में जो डिफरेंस है मैप यूनिट का वो 30 सेंटीमोर्गन है, देखिए ध्यान दीजिए। उसके बाद ठीक बी एंड सी के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमोर्गन। सपोज दैट बी, वैसे तो बी ए और सी के बीच में भी हो सकता है, लेकिन सपोज दैट आपने यहाँ पे बी मान लिया, ये दिस इज बी, लोकेशन ऑफ बी, ये 20 सेंटीमोर्गन का डिफरेंस है, और ए एंड बी इज 50 सेंटीमीटर और सेंटीमोर्गन, ये बिल्कुल सही है, ए और बी 50 सेंटीमोर्गन होंगे, अगर ये आप सीक्वेंस रखते हैं तभी 50 सेंटीमोर्गन होगा। बी एंड डी, बी डी, हाँ बी एंड डी के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 सेंटीमोर्गन है, सपोज दैट बी और डी के बीच का डिफरेंस 10 सेंटीमोर्गन है, एंड डी इज 30 सेंटीमोर्गन, सी एंड डी इज 30 सेंटीमोर्गन, सी और डी के बीच का जो गैप होगा वो 30 सेंटीमोर्गन होगा, तो डी की पोजिशन यहाँ पे होगी, ये कंपलसरी है क्योंकि सी और डी के बीच में 30 है और बी और डी के बीच में 10 सेंटीमोर्गन का डिफरेंस है, तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ये बी से आगे डी होगा। ठीक है, डी बीच में भी हो सकता है लेकिन फिर सी और डी के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, 30 सेंटीमोर्गन नहीं होगा। एक्यूरेट जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में वो ए सी बी डी है, तो यहाँ पे ऑप्शन टू विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 156। अब क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटाइल सेल्स आर नॉट फॉर्म, देखिए म्यूकोर राइजोपस एंड स्पायरोगायरिया में मोटाइल सेल नहीं बनते हैं, तो 157 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 158, एटीपी इज हाइड्रोलाइसिस बाय, हाइड्रोलाइज्ड बाय मायोसिन है, एटीपी जो हाइड्रोलाइज होती है मायोसिन हेड करता है। 159 देखिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहले देखिए, मॉन्स प्यूबिस इज क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। सेकेंड, क्लाइटोरिस लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा बिलो द, ये गलत हो जाएगा, देखिए क्लाइटोरिस अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, तो यहाँ पे इसने बिलो यूरेथ्रल ओपनिंग बोला है, दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड, हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ये बिल्कुल सही है, हाइमन दिस इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी, बिल्कुल सही है। लेबिया मेजोरा आर फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट सिर्फ एक ही है, इनकरेक्ट ही आपको बताना है। 159 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ 160 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो विंटर एंड स्प्रिंग वराइटीज,
वीट एक ऐसी क्रॉप है जो कि विंटर एंड स्प्रिंग वैरायटी दोनों को शो करती है, तो 160 का ऑप्शन वन करेक्ट है। द बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ ईयर्स, ईयर्स के बैलेंसिंग ऑर्गन क्या होते हैं? ईयर्स में बैलेंसिंग ऑर्गन सेमी सर्कुलर कैनाल होगा एंड यूट्रिकुलस होगा, ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, यानी कि 161 का ऑप्शन टू करेक्ट। नाउ 162 देखिए, द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम। राइस प्लांट के मेल गैमेट में 12 क्रोमोसोम्स है, मेल गैमेट हैप्लोइड होगा, यानी कि 12 क्रोमोसोम हैप्लोइड है। इंटर न्यूक्लियस, द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट गैमेट फीमेल गैमेट हो या मेल गैमेट हो, गैमेट आर ऑलवेज हैप्लोइड, फीमेल गैमेट में भी 12 क्रोमोसोम नंबर होंगे और जायगोट उसका डिप्लोइड होगा, तो यहाँ पे फीमेल गैमेट में 12 क्रोमोसोम नंबर होंगे और जो जायगोट होगा वो डिप्लोइड होगा, तो जायगोट में 12 का डिप्लोइड कितना होगा, 24। एंड द सेल्स ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग में भी डिप्लोइड कंडीशन होगी, सीडलिंग की सेल्स जो होती है डिप्लोइड होती है, इसका भी 24 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 12, 24, 24, यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 162। अब क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ थायराइड डज नॉट सिक्रेट एनी हार्मोन। कौन सा पार्ट ऑफ थायराइड कोई भी हार्मोन सिक्रेट नहीं करता? थायराइड ग्लैंड का इस्थमस पार्ट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है। 163 का ऑप्शन टू विल बी राइट आंसर। नाउ 164, द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर की जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, एंड दैट इज लेस देन 5%। तो लेस देन 5% कॉन्सेंट्रेशन होती है पार्ट्स पर 1000 में, राइट, इनलैंड वाटर की। तो 164 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन वन। 165, फोर्स एक्सपायरेशन इज फॉलोड बाय फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्स एक्सपायरेशन के बाद फोर्स इंस्पायरेशन होता है, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो फोर्स एक्सपायरेशन के बाद जब फोर्स इंस्पायरेशन आप करते हैं तो द क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्स एक्सपायरेशन, आपने फोर्सफुली पूरी एयर बाहर निकाल दी, फिर फोर्सफुली आप एयर को अंदर ले रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो 165 का ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। नाउ 166, प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टिनल मुकोसा इनटू द ब्लड और द लिम्फ सिस्टम में। देखिए इंटेस्टिनल मुकोसा में, राइट, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ फूड है वो राइट एंटर कर जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को आप एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो 166 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नाउ 167, रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज। देखिए रिप्रोडक्शन एक लिविंग बींग का फंडामेंटल कैरेक्टर है, लेकिन इसको आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि सारे लिविंग बींग, क्योंकि कुछ लिविंग बींग ऐसे भी होते हैं स्टराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो करेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं किसी भी लिविंग बींग में। ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, इसलिए उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं किया जाता। तो 167 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है, राइट। इसके बाद 167 के बाद नेक्स्ट इज 168, ट्राइकोडर्मा विच आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फॉर डिफरेंट प्लांट डिजीज, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा जो है एक बायो कंट्रोल एजेंट है और वो प्लांट डिजीज को कंट्रोल करता है और ये एक फ्री लिविंग फंजाई है। तो 168 का ऑप्शन टू विल बी राइट आंसर। नाउ 169, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए इनकरेक्ट है आपको बताना है। तो यहाँ पे ई कोलाई इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूमुलिन, बिल्कुल करेक्ट है ये, इनकरेक्ट आपको बताना है। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, ए और बी जो चेन है वो सेपरेटली प्रोड्यूस होती है, ये भी करेक्ट है। एली लिली कंपनी प्रिपेयर्ड इट फॉर फर्स्ट टाइम 1983 में, बिल्कुल सही। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है वो उसमें सी पेप्टाइड होता है, ये गलत हो जाएगा और आपको गलत ही बताना है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर, है ना। इसके बाद 170 देखिए, द गिवन फिगर इलस्ट्रेट द चेंज इन लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टू चेंज फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड। भैया देखिए जो आपको ग्राफ दिया है ये टाइडल वॉल्यूम का दिया, मैं आपको बता दूं, ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो नॉर्मल ब्रीदिंग इन यानी कि इंस्पायरेशन करते हैं, ग्राफ नीचे की तरफ आता है एक्सपायरेशन करते हैं। सेकंड से थर्ड की तरफ जब जाएगा तो आप एक्सपायरेशन करेंगे यानी कि लंग से वॉल्यूम को बाहर निकाल लेंगे। तो दिस इज व्हाट मोमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ थोरेसिक केज, मोमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स, इट विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 170।
ऊपर ग्राफ जाता है तो इंस्पायरेशन, नीचे ग्राफ आता है तो एक्सपायरेशन। और नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें यानी कि टाइडल वॉल्यूम की बात करता है तो सेकंड से थर्ड की जो पोजीशन में जो चेंज आ रहा है दैट इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स। 170 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। 171 देखिए, अनब्रांच स्टेम इज करेक्टर ऑफ विच जिम्नोस्पर्म। अनब्रांच स्टेम इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकस। साइकस प्लांट का अनब्रांच स्टेम होता है। 171 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 172 देखिए, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ऑल प्लांट्स ऑल एनिमल्स। देखिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज यू कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, राइट। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है, लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। तो 172 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। 173 देखिए, टैप रूट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। टैप रूट जो है फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड होता है, इसमें ऐसा होता है टर्निप में, ऐसा टर्निप में देखा जाता है। 173 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 174 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है। 174 का फॉल्स स्टेटमेंट। पैसिव इम्यूनिटी सर्व नो पर्पस इन इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट। पैसिव इम्यूनिटी का कोई पर्पस नहीं होता इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट में, दिस इज द पर्पसफुल। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया है ना। एक्टिव इम्यूनिटी इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। नहीं जी, इन्फेक्शन होने के बाद नहीं, इन्फेक्शन होने से पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर ए लैग पीरियड, ये ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी इज कंफर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग, पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज दे जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट गलत है, 1 स्टेटमेंट सही है। तो 174 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ 175, एपिथेलियम नॉट फाउंड इन नेफ्रोन इज। नेफ्रोन में सिंपल क्यूबोडल पाया जाता है, ठीक है, कोलमनर एपिथेलियम नहीं पाया जाता है। कोलमनर एपिथेलियम इज नॉट फाउंड इन नेफ्रोन, बाकी सिंपल स्क्वेमस होता है, सिंपल क्यूबोडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, राइट। अब यहाँ पे 176 में आइडेंटिफाई की सिंबल ए बी एंड सी, ए इंडिकेट करता है साइटोकाइनेसिस को, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बी इंडिकेट करता है सबसे पहली स्टेज कौन सी है, प्रोफेज होती है। ए साइटोकाइनेसिस, बी प्रोफेज, एंड सी जो है वो जी नॉट फेज को इंडिकेट करता है। किसको? जी नॉट फेज को, जी नॉट फेज को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा 176 का ऑप्शन 4th विल बी राइट आंसर। आपको ये बताना है। देखिए ट्राइग्लिसराइड में 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड होते हैं, तो 177 का ऑप्शन 3rd करेक्ट। 178, लैसोसेल प्रेजेंट इन विच फाइलम। लैसोसेल जो होती है वो टीनोफेरा में पाई जाती है, टीनोफोरा में पाई जाती है, तो 178 का ऑप्शन 3rd करेक्ट है। 179 देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की जो सीक्वेंसिंग स्टार्ट होती है वो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। 179 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। 180 देखिए, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है डीएनए में, पूरी की पूरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए में। Which one of the following is represent in frame shift mutation? यहाँ पे frame shift mutation आपको बताना है तो किसमें हुआ है। देखिए frame shift mutation कब होता है, जब कोई एक nucleotide add हो जाता है या फिर एक nucleotide remove हो जाता है, तो उससे पूरा reading frame बदल जाता है। तो ऐसा जो देखा जा रहा है वो option 2 में देखा जा रहा है, बाकी में नहीं देखा जा रहा है। आप चेक कीजिएगा, इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, एंड यू विल गेट द आंसर। ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 180। इसी के साथ FST 15 इज कम्प्लीट, दिस इज डन। इसके बाद अगले FST में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।